नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज मैं दोबारा से बात करने वाला हूँ रिलायंस के पैनी स्टॉक के बारे में। राइट, मैं तो इसको रिलायंस का पैनी स्टॉक मान चुका हूँ और मेरे हिसाब से तो रिलायंस ही इसको बाय करने वाला है, और कोई बाय करे या ना करे। जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है। मात्र 10 रुपये का पैनी स्टॉक अभी ट्रेड करते आपको दिख जाएगा, और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अब डील डन हो चुकी है। और आलोक इंडस्ट्री की तरह भी रिलायंस भी इस स्टॉक को लेने वाला है, खरीदने वाला है। और जैसे ही ये न्यूज़ आउट होगी, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है, राइट, लास्ट एक रिलायंस की एक थर्ड पार्टी कंपनी आप बोल सकती हो, उसने बिड प्लेस कर दी है इस बैंक करप्ट कंपनी को बाय करने के लिए। और पर्सनली मेरे भी मुझे लगता है पर्सनली कि स्टॉक आपको 60 रुपये के टारगेट दिखा सकता है अगर ये डील क्लोज हो जाती है। तो 60 रुपये से पहले मैं खुद स्टॉक को नहीं बेचने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टॉक को 4 रुपये 50 पैसे 4 रुपये 75 पैसे के आसपास बाय करके रखा हुआ है। थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट बुक किया है 12 रुपये के लेवल्स में, लेकिन मैंने जो लंबा टारगेट है मेरा, जैसे आपको पता है मेरे पुराने वीडियोज देखते हो, ठीक है, कल 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाया था और आपको बोला था जब तक स्टॉक अपना लास्ट सुन नहीं तोड़ता है बाय मत करना। और मैंने एक बात उसमें ये भी बोली थी कि पर्सनली मैं स्टॉक को होल्ड करने वाला हूँ, या तो पैसा मेरा 0 होगा या बहुत बड़ा पैसा बना के उठेगा, क्योंकि ये स्टॉक में जो डील होगी आलोक इंडस्ट्री की तरह इसको सिमिलर भागने वाला है अगर ये डील हो जाती है। और न्यूज़ तो आ रही है कि भैया डील बहुत जल्द अब क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपके पास ये पैनी स्टॉक है तो भैया होल्ड करो। मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, फुल स्टोरी दिखाता हूँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये रिलायंस का पैनी स्टॉक बन चुका है, बन गया है 101%। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको पहले आप देख सकते हैं कुछ इंस्टाग्राम पेज है, चाहो तो आप इनको फॉलो कर सकती हो। ये भी लगातार अपडेट दे रहे रिलायंस टू बाय, ठीक है, रिलायंस इन्वेस्टेड लुकिंग टू बाय बैंकक्रप्ट टेक्सटाइल कंपनी सिंटेक्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी लेटेस्ट खबरें कुछ देख सकते हो। ये रिलायंस, ठीक है, और साथ में वेल्सपन जो कंपनी है वही बिड डाल रही है कंपनी को खरीदने के लिए, जो ये सिंटेक्स है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ फुल स्टोरी क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी इसको बाय करना चाहते हैं, आपके संजय दालमिया बाय करना चाहते हैं, वीके गोनेका इसको बाय करना चाहते हैं, दिनेश कुमार, मतलब बड़े बड़े ग्रुप के जो सीईओ है वो बाय करना चाहते हैं इस टेक्सटाइल पेनी स्टॉक को। तो सोच सकते हो कि भाई आज तक कभी इतनी हाइप नहीं बनी होगी सिंटेक्स की, लेकिन जितनी हाइप अब बन चुकी है बैंकक्रप्ट होने के बाद, जब से ये आया कि भाई हम तो इसको बाय करने वाले बड़े प्लेयर्स जैसे मुकेश अंबानी। तो आप देख सकते हो इस पे जो कंपनी पे कर्जा है ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ इसको देना है क्रेडिटर्स को। ठीक है, और बाकी जैसे आपको पता है कि रिलायंस ने टीम अप कर दिया है एक कंपनी है असेट्स बायर्स असेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस, इसने बिड प्लेस किया है ऑन द बिहाफ ऑफ रिलायंस। ठीक है, तो भाई बोल सकते हो कि रिलायंस ने भैया बिड प्लेस कर दी है, अब वेट करो राइट न्यूज आने का। जैसे ही न्यूज आएगी, ये जो 3 व्यक्ति के मैंने नाम बताए, कोई भी इसको बाय करे या ना करे, स्टॉक का प्राइस डेफिनेटली रॉकेट होने वाला है जब तक बिड नहीं आती है, मतलब उसकी न्यूज नहीं आती कि किसने इसको ले लिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं तो ये बोलूंगा कि मुकेश अंबानी का नाम सबसे टॉप में है, तो मैं ये बोलूंगा इस कंपनी को मुकेश अंबानी ही बाय करने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो मैं 101% टक्का इसमें कंफर्म हूँ। आप देख सकते हो साथ में कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको दिख रहा है, जनवरी 1 से 4 रुपये 50 पैसे स्टॉक ने 9 रुपये 90 पैसे ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट 123% का रिटर्न दे चुका है। और लकीली दोस्तों आप बोल सकते हो ये जो रिटर्न आपको यहाँ दिख रही है ये मैंने भी जनरेट करी है सेम, ठीक है, और आपके साथ शेयर भी किया था मैंने। मैंने सिर्फ अकेले मैंने नहीं करी है, आपके साथ वीडियो के माध्यम शेयर किया था मैंने कि स्टॉक को नजरों में रखो, ये कभी भी स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, स्टॉक में बड़ी न्यूज आ सकती है। ठीक है, तो देखो स्टॉक ऑलमोस्ट 4 रुपये 75 पैसे मेरा खुद की बाइंग है, 10.50 अभी ट्रेड कर रहा है, 121% का रिटर्न आ रहा है, और यहाँ पर आपको 123% आ रहा है। तो मतलब हमने स्टॉक में एक अच्छे तरीके से जो न्यूज आने वाला पैटर्न है, ठीक है, जिनको नहीं पता है कि न्यूज आने वाला एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न मैंने अपनी प्राइवेट क्लास में आपको बतलाया था। ठीक है, अगर आप मेरी प्राइवेट क्लास हर संडे अटेंड करते हो, वी आर स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है येरा, ठीक है, यहाँ हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, जो लिंक्स मैं आपको देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार उसमें ट्रेडिंग के कुछ बताता हूँ, कभी साइकोलॉजी के बताता हूँ, कभी आपको माइंडसेट के बारे में बताता हूँ, कभी आपको रिस्क प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ, कभी मनी मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ, जो एब्सोल्यूट फ्री है, मतलब आपको 1 रुपये नहीं देना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट मैसेज करना है मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर पेज के माध्यम से। और जो न्यूज़ वाला पैटर्न है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर टिके रहोगे, क्योंकि देखो वो चीज़ें एक बार बता चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको दोबारा बताऊँ, क्योंकि वो चीज़ काम करती है। तो जिन लोगों ने वो न्यूज़ वाला पैटर्न देख लिया, ठीक
उनके तो भैया बल्ले बल्ले हो गए, और वो खुद भी स्टॉक्स में काम करके उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके काम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अगर वो मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे। तो ये रियल एग्जाम्पल आपके सामने सिंटेक्स का, ये स्टॉक भी हमने वही पैटर्न से आपको सजेस्ट किया था, आज अच्छा खासा पैसा ही कमा के दे रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक 60 रुपये क्यों जाएगा, मेरा क्यों मानना है कि 60 रुपये जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी किसी पैटर्न को देख के ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और सेल करना पसंद करता हूँ। मेरा स्टॉक में ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगा है, ठीक है, मैं हमेशा मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं रिसर्च करना बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उतना ही पैसा डालता हूँ जितना मेरी औकात है, मैं कभी अपनी औकात को नहीं भूलता हूँ। और आप भी इसको ध्यान रखो, औकात का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ कोई आपको डाउन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं, आपको कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा अपना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, उसको कभी नहीं भूलना है। अगर वो भूल गए तो भैया फिर किस बात की स्टॉक मार्केट, ठीक है, इससे बड़े तो आप गैम्बल कर लो फिर, समझ गए। तो आपको कभी भी वो भूलना नहीं है, मैं तो उसको दिल से दिमाग से फॉलो करता हूँ, मनी मैनेजमेंट उसको कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये स्टॉक नीचे भी जाएगा ना, 0 भी हो जाएगा, तो मेरा लॉस कितना है स्टॉक मुझे पता है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता कि मेरा लॉस कितना है स्टॉक में अगर नीचे जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी प्लान वन प्लान टू में काम नहीं किया होता है, उन्होंने हमेशा काम किया होता है, अरे भाई 4 रुपये का स्टॉक है 100 रुपये चले जाएगा, पैसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो ये नहीं देखते कि 4 रुपये का स्टॉक 2 रुपये आएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे एक्शन क्या होंगे उस समय, आपके इमोशन कैसे काम करेंगे, आपकी उस समय साइकोलॉजी क्या काम करेगी, क्या आपको उस समय एंट्री होल्ड करना चाहिए या स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट। अगर ये क्वेश्चन उसी समय आ रहे हैं जब ये सब चीज़ें हो चुकी है, तो समझ जाओ आप बहुत बड़े ट्रैप में हो, बहुत बड़े जाल में आज फंस चुके हो, ठीक है। तो आपको अगर उस ट्रैप से बाहर निकलना है, उस जाल से जब आप फंस चुके हो, तो आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर पहले पता होना चाहिए कि भैया मेरा स्टॉप लॉस ये है, मेरा एग्जिट पॉइंट ये है, अगर ये स्टॉक 2 से 1 रुपया आ जाएगा तो मैं इसको दोबारा एंट्री करूंगा या एग्जिट करूंगा, ये आपको आंसर पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग इन्वेस्टमेंट ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड, समझ आ गया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो लेके चलता हूँ उसके चार्ट पैटर्न की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्सनली मेरे लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, उसके बिना तो मैं काम करता ही नहीं हूँ, देख लो एक बार। तो आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लास्ट आया है 10 मिलियन के आसपास, ठीक है, और 9 मिलियन के आसपास का आया है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम उसको बोला जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया लास्ट सुन तब तक उठता नहीं, तो मैं इसमें स्टॉक में बड़ी तेज़ी दोबारा नहीं देखूंगा। तो अब देखो मैंने अब ये भी बोला आपको, जब तक ये यहाँ स्टॉक घूम रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत दिनों तक स्टॉक घूमने वाला है, अब देखो कब इसकी न्यूज़ आती है दोबारा से कि स्टॉक में इसको इस कंपनी ने बाय कर लिया, इस कंपनी ने कर लिया है, जब भी वो न्यूज़ आएगी उसको मैं वीडियो बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो। बाकी देखो मेरे जो स्टॉक के टारगेट है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे स्टॉक के बहुत बड़े टारगेट है भाई, बिलीव करो ना करो बहुत बड़े टारगेट है, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टॉक ना अगला जो रजिस्ट्रेशन स्टॉक है ये है 19 रुपये का, तो 19 रुपये से पहले तो मत बेचना अगर हो सकता है, ठीक है, 19 रुपये के ऊपर इसने क्लोज कर दिया तो फिर आपको ये सीधा दिखाएगा 60 रुपये का टारगेट, ठीक है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा ये फेंक रहा है, ठीक है, फेंकने की एक लिमिट होती है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन भैया इसी चैनल के माध्यम से आपको 1000 शेयर रिकमेंड कर चुका हूँ, बहुत सारे 1000 तो नहीं करूंगा, 100 200 तो करे होंगे, जो काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। अभी अगर काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो रात बहुत जाएगी कि देखो इसने बना दिया पैसा, BCG ने बना दिया, TTM ने बना दिया, इसने बना दिया, अलाना ने बना दिया, फलाना ने बना दिया, ठीक है, तो वो नहीं करूंगा। तो ये स्टॉक देखो अब 20 रुपये और 60 रुपये का फाइनल टारगेट है, लेकिन स्टॉक को देखो अगर आप बाय करना चाहते हो, वैसे बाय की सलाह नहीं है भाई, ठीक है, आप खुद की फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लेना बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। हमारा अगर आपको गाइड करना है, मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपको इस तरीके से आपको प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए, अगर आप किसी स्टॉक में फंसती हो या फिर कभी स्टॉक में अपर साइड लगता तो आपको क्या करना चाहिए। तो अभी स्टॉक देखो ये रेंज बना रहा है, तो इस रेंज में भी स्टॉक घूम सकता है और नीचे भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, नीचे आने के बाद शायद ऊपर जाए, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मतलब स्ट्रैटेजी की, भैया मैंने ये करना है ये करना है। अभी सबको तो पता है ऊपर जाएगा, लेकिन सब आपने कभी सोचा कि नीचे आ गया तो तब क्या करना है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर आपका प्लान होना चाहिए कि भैया अगर ये ऊपर तो चले जाएगा सिर्फ सबको पता है, लेकिन अगर नीचे आ जाएगा तो तब मैं क्या करूँगा, ये सोचा आपने, तो ये सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया स्टॉक, जो उसकी न्यूज़ थी वो भी मैंने बता दी है, तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे पैनी स्टॉक को मैं वीडियो बनाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पक्का करना अगर आपको चाहिए पैनी स्टॉक की वीडियो, से अच्छे से स्टॉक ढूंढ के लेके आऊंगा अगर आपके लिए, अगर आप ऐसे सपोर्ट देते रहोगे तो, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।